from Global English School. Today I am going to interview of Khadi Bhandar. Hello दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हम Khadi Bhandar में आ चुके हैं, तो देख सकते हैं आप. बालाजी पंडित नाम का मोहन. तो सर आप यहाँ पे क्या काम करते हैं शॉप में? मैं खादी ग्राम उद्योग परटोला खादी ग्राम उद्योग समिति ये औरंगाबाद मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस नांदेड़ है. ये सब एक शाखा है, यहाँ सेल सेंटर है औरंगाबाद का. यहाँ पर हम खादी बेचते हैं. जैसे मैं जो हाथ पे बुनकर तैयार होकर कपड़ा जो बनता है वो हम यहाँ सेल करते हैं. सर तो खादी भंडार कब से शुरू हुआ? ये खादी भंडार ये तो मराठवाड़ा स्वतंत्र होने से पहले से स्टार्ट है. मराठवाड़ा स्वतंत्र होने के बाद विलीनीकरण मराठवाड़ा खादी ग्राम उद्योग समिति नांदेड़ से हुआ है. पहले मराठवाड़ा जो हैदराबाद संस्थान था तब से एक ही था. बाद में जब मराठवाड़ा स्वतंत्र हुआ तब मराठवाड़ा खादी ग्राम उद्योग समिति से 1960 की स्थापना है इसकी. इस साल कितने फ्लैट लेकर गए लोग? इस साल तो कह नहीं सकते, आ रहे हैं जा रहे हैं, शॉर्टेज हो रहा है गोजों का. 2x3 तो मिल ही नहीं रहे, उसके बाद में 3x4.5 अब चल रहा है, कुछ आ रहे हैं, थोड़े थोड़े जा रहे हैं. 100-200 पीस आ रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जा रहे हैं. इस गणतंत्र दिन पर राष्ट्रीय ध्वज की मांगनी बहुत सारी बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले से. तो सर पुराने फ्लैग सबमिट कर लिए जाते हैं? पुराने फ्लैग अपनी तरफ सबमिट नहीं की जाते हैं, उसकी जानकारी कलेक्टर ऑफिस या संविधान में भी बताई गई है. उसी अनुसार उनका क्या किया जाए, संरक्षण उनका क्या करना है उनमें बताया गया है. सबसे बड़ा फ्लैग किसने लेकर गया? सबसे बड़ा फ्लैग तो कलेक्टर ऑफिस ले जाते हैं. 2 साल के बाद क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे? पिछले 2 सालों में से चेंजेस, जैसे ही कोरोना हटा वैसे बिक्री में बढ़ोतरी हुई है.